यहाँ से मेरी एक लाइन शुरू होती है, ये लगभग 15 पेड़ हैं जो NRCC 8 और NRCC 7 के हैं। पिछले वर्ष इस पेड़ पर 10-12 नींबू आए थे, बहुत शानदार नींबू थे। अब की बार फिर दिखाऊंगा, ये देखें कितने अच्छे इस पर फूल आ रहे हैं। फूले सरबती और NRCC 8 मेरे सबसे प्रिय नींबू हैं जो मैंने अपने पौधों पर देखे हैं। अब आप इस पेड़ को देखिए, ये पेड़ पिछले साल मरणासन्न अवस्था में था और इसने फल दिए थे, लेकिन जीवित हो गया। हमने भी कोशिश करी, कुछ भगवान ने भी साथ दिया तो ये जीवित हो गया। देखिए कितनी अच्छी, जो मैं दिखाता रहता था ना, कितनी अच्छी फुटान है, पत्ते बड़े हो चुके हैं और इनमें कोई समस्या नहीं है। अब आइए इस पेड़ को देखिए, कितना शानदार पेड़ है। आप इसकी पूरी कैनोपी देखिए और इस पर इतने फूल आए हुए हैं, अगर ये फूल हो जाएं तो मेरे हिसाब से कम इस पर 20 से 30 किलो नींबू मिलेंगे। NRCC 8 का पेड़ है, देखिए कितनी बढ़िया इस पर वो है। और NRCC 8 मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, आज आपको इसका कारण बताता हूँ। इस पौधे पर कैंकर रोग सबसे कम आता है। NRCC 7 और 8 बहुत ही प्रतिरोधी हैं, जो कैंकर रोग के लिए, मतलब जो परेशान करता है उसके प्रतिरोधी हैं, इनमें बहुत कम कैंकर आता है। ये मैंने प्रैक्टिकल कर लिया है। ये पौधे इस समय 2.5 वर्ष के हैं और आप देखिए कितना अच्छा फैलाव है लगभग सभी का। कोई इससे 80% होगा, कोई 90% होगा। बहुत अच्छे पौधे हैं और आगे बाद में NRCC 7 के हैं। अब हम बात कर रहे थे वे भाई बहन जो अपने बगीचे में या घर पर नींबू का पेड़ लगाते हैं। देखिए इसमें दो काम है, अगर आपका पेड़ नींबू का गमले में लगा हुआ है तो समस्या अलग हो सकती है, और अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ तो क्या समस्याएं हो सकती हैं। पौधा दीवार के पास नहीं होना चाहिए, इस समय उस पर दीवार की छाया नहीं पड़नी चाहिए। पौधे को धूप चाहिए, हवा चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि अक्सर मैंने देखा है, देखिए कितना मोटा तना हो चुका है इसका। और अगर हम इस पौधे को भी देखें, ये जो छोटे वाला पौधा है, इसका तना देखें कितना हो चुका, और अगर हम इस छोटे पौधे को भी देखें तो कम से कम यहाँ हमने, ये देखिए इतने हिस्से में हमने, यहाँ से लगभग 1 फीट दूर, 1.25 फीट दूर हमने यहाँ पर खाद लगाया है इसका, यहाँ पर। तो आपके पास इतनी समुचित जगह होनी चाहिए। लोगों के प्रश्न आते हैं कि मेरा पौधा 3 साल का हो गया, उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, मेरा पौधा 5 साल का हो गया, उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, मेरा पौधा 5 साल का हो गया उस पर फूल आते हैं और फूल सभी गिर जाते हैं, मेरा पौधा 3 साल का हो गया उस पर फूल आते हैं और सभी फूल गिर जाते हैं। पहला कारण कि इस समय, जैसा मैंने पहले बताया है कि ये अंबिया बहार के फ्लावर हैं जिनकी बरसात में फसल मिलेगी, और इस समय के फूल लगभग 80% गिर जाते हैं। अगर आपके हाथ 10% भी लग गए तो आपको बहुत अच्छी फसल मिलती है। दूसरा कारण ये है कि कोई मुझे ये नहीं बताता कि उसका पौधा लेमन है या नींबू का लाइम है। कुछ बाद में पता चलता है कि लेमन है, कुछ का निकलता है कुंभकाट है, कुछ का कैसा निकलता है वो ग्राफ्ट वाला पौधा है या बीजू पौधा। कहते हैं जी मेरे पौधे में मैं क्या करूं? अब मैं उससे ये पूछूं कि कौन से प्रकार का पौधा है। अब मान लीजिए पौधा कोई भी हो, तो आप सबकी समस्याओं का निराकरण मैं आज कर रहा हूं। पहला, पौधे से दूर, उसमें इस समय जनवरी में या सितंबर में आप थोड़ी खुदाई करिए, अच्छी गहरी 5-6 इंच, इतनी दूर, ये करीब यहाँ पर करीब 6 इंच चौड़ी खुदाई करिए। इससे क्या होंगी, जो सेकेंडरी रूट्स हैं कुछ कट जाएंगे। 2-4 दिन की धूप लगाइए, फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद वो डालिए। 1 साल के पौधे में 5 किलो डालिए गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट डालिए 2 किलो, और इसे हर वर्ष के साथ में दुगनी करते जाइए आप। उसके साथ में आपको मिलाना है बोन मील, जो हड्डियों का चूरा होता है, बाज़ार में मिलता है। 1 साल के पौधे में कम से कम 250 ग्राम डालिए, 2 साल के में 0.5 किलो डालिए और 4 साल के में 1 किलो डालिए, और उससे बड़े पौधे में। और
उसमें मिलाइए थोड़ा सा डीएपी, अगर आप रासायनिक करना चाहते हैं तो मिला दीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, डीएपी और पोटास बहुत ज़रूरत है। थोड़ा मिलाइए उसमें 10 ग्राम पौधे की मात्रा, उम्र के अनुसार, एक साल के पौधे में 10 ग्राम, 3 साल के पौधे में 20 ग्राम ये मैग्नीशियम सल्फेट मिला दीजिए। हड्डियों का चूरा आपके अधिकतर सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करेगा, ये डालिए और पानी दे दीजिए, और जो पानी देंगे फिर आपके फ्लावर आएंगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अपने घर पर नीम का तेल अवश्य रखें और खट्टी छात रखें। अधिकतर जो घर पर करने वाले हैं वो ये बताते हैं कि जी मैं जैविक करूँगा, मैं वो नहीं डालूँगा, और केमिकल करना भी नहीं चाहिए घर पर। तो आप किसी बर्तन में अपनी जो दही का पानी होता है उसको रखते जाइए, उसमें एक तांबा डाल लीजिए, एक माह पुरानी 50 ml प्रति लीटर दही का वो पानी लीजिए उसमें, जिसे छाछ कहते हैं हम, नहीं तो बाज़ार से छाछ ले आइए, थोड़ा 10-15 दिन पुरानी कर लीजिए उसको तांबे का टुकड़ा डालकर, 50 ml प्रति लीटर वो लीजिए, और 2 ml प्रति लीटर उसमें मिलाइए नीम का तेल, और उस नीम के तेल को पहले आप थोड़े से शैम्पू डालकर घोल लीजिए, जब आपको लग जाए कि ये पूरा घुल गया अच्छी तरह से, तब उसे छाछ में मिलाइए और पानी में मिलाइए फिर 1 लीटर में, और फिर उसको स्प्रे कर दीजिए, आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। बोरोन बहुत आवश्यक है फूलों को रोकने के लिए भी, और इसमें करने के लिए पौधे के इसके ऊपर स्प्रे करने के लिए भी। बोरोन क्या होता है, सुहागा होता है, जो घर में हम सुहागा करते हैं ना, यूज करते हैं, थोड़ा गर्म पानी करिए, गुनगुना सा मतलब अच्छा गर्म पानी कर लीजिए, 4 ग्राम प्रति लीटर उसमें सुहागा डालिए, उसे घोल लीजिए और उसका स्प्रे करिए, इसको अलग से करें, आपके पौधे पर बोरोन की सभी कमियां पूरी हो जाएंगी। जिंक वगैरह के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको आधी किलो सरसों को आप 4 दिन भिगो कर रखिए, उसको जब भिगो कर रखेंगे फर्मेंटेशन हो जाएगा, और उसमें 1% यानी 10 ग्राम यूरिया 1 लीटर के लिए, तो ये जो आधी किलो है ये आपने 10 लीटर के पानी में रखा, तो 10 लीटर के लिए 100 ग्राम उसमें यूरिया डाल दीजिए, यूरिया डालिए बाद में, जब 4 दिन में सरसों फर्मेंट हो गई उसको छान लीजिए, अब इसमें 100 ग्राम यूरिया मिला दीजिए, अब ये जो पानी है इसको 10 गुना कर दीजिए, मतलब इसमें 90 लीटर और मिलाइए तो 100 लीटर बन गया, आप इसका स्प्रे करिए, आपकी नाइट्रोजन की, आपकी माइक्रोन्यूट्रेंट की सभी पूर्तियां होंगी, आप इसे जड़ों में भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी फिर हाथ जोड़कर विनती है, ये जो बाज़ार में दवाइयां मिलती हैं इन्हें संतुलित मात्रा में होती हैं, घर पे जो बनाते हैं बड़े ध्यान से बनाना चाहिए, जो भी मैं प्रयोग बताता हूँ आप पहले एक पौधे पर करिए, जो मैंने 500 ग्राम सरसों बताई है उसे आप 50 ग्राम कर लीजिए, तो उसी तरह से 1 किलो के बजाय आपका जो है ना उसमें कम हो जाएगा, 100 ग्राम यूरिया बच जाएगा, तो बहुत कम मात्रा में उसी तरह से करें, 1% यूरिया और लगभग 10 किलो में जो 500 ग्राम मैंने वो डाला है, तो अगर आप 2 किलो लेंगे लीटर, 2 लीटर पानी लेंगे तो आपको 100 ग्राम चाहिए, 1 लीटर के लिए 50 ग्राम ही बहुत है, तो आप इसको करिए, आपके पौधे अच्छे होंगे। किसान साथियों, ये थी मेरी आज नींबू पर प्रस्तुति, वीडियो थोड़ा लंबा है, आप अवश्य देखिए, और सवाल करने से पहले इन वीडियो को अवश्य देखें, मुझे जब सवाल करते हैं पता चल जाता है कि इसने वीडियो पूरी नहीं देखी है, कुछ भाई पूछते हैं, मेरा नंबर पूछते हैं, वीडियो में दिया हुआ होता है, और वे सवाल पूछते हैं जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।